हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की एक सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा गया है। अब ये सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे L नाम से एक लिस्ट बनाई गई। अब लिस्ट की पहचान क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है। और इसके अंदर 10, 30, यहां पर 50, 60 ये इसमें लिस्ट के अंदर रखा गया है। और फिर नीचे आने पर यहां पर कहा गया है L डॉट अपेंड। अपेंड जानते हैं, अपेंड लिस्ट के फंक्शन है। और इसमें जो है 70 अपेंड कराया गया, यानी 70 इसमें और जोड़ दिया गया, मतलब कि इसी लिस्ट के लास्ट में क्या आएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर L डॉट इंसर्ट का भी यूज किया गया, इंसर्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंसर्ट का भी यूज किया जा रहा है। और यहां पर क्या इंसर्ट कराया जा रहा है, 2, 80, ठीक है। तो यहां पर ये भी इंसर्ट भी कराया जा रहा है, ठीक है। और फिर इसको शॉर्ट भी कराया जा रहा है, L डॉट शॉर्ट। शॉर्ट फंक्शन जानते ही हैं किस तरीके से काम करता है, शॉर्ट करके देता है हमें, ठीक है। और यहां पे फिर L को प्रिंट कराया जाए तो यहां पे रिजल्ट आउटपुट क्या आएगा, यही पूछा गया है, ठीक है। तो आप बताइए इसका आउटपुट क्या आ सकता है। देखिए, अपेंड कराएंगे तो 70 यहां अपेंड हो जाएगा, ठीक है। इन यहां पे इंसर्ट की बात आ रही है, इंसर्ट, ठीक है, और फिर शॉर्ट की बात आ रही है। सबसे पहले तो हम इसको सेव करते हैं, F5 करते हुए ही हम इसे सेव करेंगे। तो यहां से मैं इसे सेव करता हूं app.py के नाम से, ठीक है। ये इस तरीके से हम सेव करेंगे इसे, और चलाने पर देखिए ये किस तरीके से इंसर्ट हुआ है। देख सकते हैं इंसर्ट फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है इसमें। यहां पर आउटपुट भी आपके सामने है, ये आउटपुट है आपका, मतलब यही है। और इसे शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसे अरेंज कर दीजिए एक क्रम में, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में ही करता है ये। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 70 होता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए 70 नहीं बल्कि 50 होता, यहाँ पे 50 कर देते हैं, और यहाँ पे 10 होता, और इसको शॉर्ट करते हैं हम। देखिए इसको शॉर्ट, नीचे शॉर्ट भी लगा हुआ है। अगर ये ऐसी स्थिति में होता तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे इसको चला रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इस तरीके से, यहां से चलाएंगे इसको, ये हो गया, और ये देखिए तो भी ये ऐसे ही प्रिंट करेगा। देख सकते हैं यहां पर, देखिए पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये शॉर्ट फंक्शन इसी तरीके से काम करता है। और इंसर्ट क्या करेगा, दूसरे नंबर पे ही इंसर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए लेटेस्ट में क्या हुआ, अपेंड कराया गया 70, और 70 के बाद जो दूसरा नंबर बन रहा है वो किसका बन रहा है, वो इसी का तो बन रहा है। इंसर्ट सेकंड नंबर पे 80 को अपेंड, इसमें इंसर्ट करा दीजिए, ठीक है। तो ये इसी तरीके से काम करेगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।